अक्सर पढ़ाई के लिए कौन प्रेरित करते रहता था घर पे? मम्मी। क्या बोलती थी मम्मी? मम्मी बोलती थी कि बेटा पढ़ाई करो, हमें तुमसे घर का कुछ काम नहीं कराए तो ओनली पढ़ाई। आपके फादर क्या करते हैं? जी मेरे पापा गैस एजेंसी में जाते हैं। अभी तो नहीं जा रहे हैं बेटा, जाते थे मगर अभी बाहर गए थे तो कभी पढ़ाई में कोई इसी तरह की बाधाएं? जी कभी नहीं सर, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई में बाधा आने नहीं देते थे, स्पेशली मेरी दादी। और स्कूल में जो टीचर्स होते थे वो किस तरह का मदद करते? जैसे कि टीचर ने आज जो सब्जेक्ट समझाया वो मैं आज घर आके रीड करती हूँ, और मुझे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता तो मैं आज से जाकर पूछती तो मैम मुझे बताती, साथ ही साथ क्लास के अदर बच्चों को भी बताती। मतलब सुन से मैडम लोग आपका सहयोग में रहे कि हाँ जी सर। और आप सुन से सरकारी स्कूल में ही पढ़े? हाँ सर, सरकारी स्कूल में पढ़े, पहले से पांचवीं तक के प्राइवेट में पढ़े। अब आगे क्या करना चाहते हैं? सर आगे तो बायो लेकर के डॉक्टरी लाइन पे जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, क्योंकि अक्सर देखी कि गरीब लोगों को अक्सर कोई बीमारी होती है तो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता कि वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों का इलाज करें, कम से कम गवर्नमेंट जॉब में मिल सकी थोड़ी जल्द सेवा हो सकती।